वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में अब हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को और उसके ग्राफ को समझने के बाद आज की क्लास में हम कवर करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो डियर स्टूडेंट, एग्रीगेट सप्लाई है क्या? तो एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट डिमांड की तरह ही एग्रीगेट सप्लाई में भी एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर, मेरा कहने का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो ड्यूरेशन को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, तो इस एक साल के अंदर जितने भी फर्म है, जितने भी फर्म है, इन सब ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन करा, उन सब के वर्थ को हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फर्म है, इन सब ने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन करा, उन सब के वर्थ को हम क्या कहेंगे? उन सब के वर्थ को हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। कितना सप्लाई हुआ है? और ऑब्वियसली आप इस बात को समझेंगे कि जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, जो फर्म किसी चीज को बनाती है, किसी चीज को बेचती है, एग्जांपल के लिए मैं मान ले, आप इसी चीज को मान लीजिए, मान ले कि मैंने अपना कोर्स आपको 2000 रुपए का जो है, यहां पर मेरा कोर्स आपने 2000 रुपए का लिया, ये मेरी तरफ से सप्लाई, जो मैंने सर्विसेज आपको दी है, उसकी जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, वो 2000 रुपए है। अब जो 2000 रुपए आप पे कर रहे हैं, इस 2000 रुपए में क्या क्या चीजें मैनेज हो रही हैं? इस 2000 रुपए में मेरी आमदनी भी है, इस 2000 रुपए में जो मेरे पीछे टीम काम कर रही है उसकी भी आमदनी है, इस 2000 में जो साफ सफाई कर रहे हैं उसकी भी आमदनी है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, जो उसकी वर्थ है, कहीं ना कहीं लोगों की वो इनकम बन रही है, नहीं बन रही है? ये 2000 रुपए मेरी इनकम है। तो जितने भी फर्म है, प्रोड्यूसर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो बना रही है एक साल में, उसका वर्थ बेसिकली क्या होता है? वो लोगों की इनकम होती है। इसलिए कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और लोगों की इनकम बात एक ही है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम, इस बात को आप समझ लीजिएगा, अपने माइंड में आप बिठा लीजिएगा। क्लियर है जी, ये बात समझ में आपको आई? तो ये मैं यही बात कह रहा हूं, एग्रीगेट सप्लाई एज रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यूज हैं। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि मान लीजिए मैंने क्या सप्लाई करा, मान ले एग्जांपल के लिए मैंने आपको अपनी सर्विसेज दी और इसके लिए मैंने 2000 रुपीज चार्ज किए। अब ये 2000 रुपए मेरे पास में आया, एग्जांपल के ले रहे हैं, ये एक इमेजिनरी फिगर है, ठीक है जी। 2000 रुपए आया, 2000 रुपए में से मैंने क्या करा कि 2000 रुपए में से मान लीजिए एक तो मैंने टैक्स का पार्ट चला गया जो कि जीएसटी के तौर पर गया, तो यहां पर 400 रुपए जीएसटी चला गया, बचा कितना? 1600 रुपए। मान लीजिए 1600 में से 800 रुपए ये मेरी इनकम हो गई, मान लीजिए बचे कितने? 800 रुपए। 800 रुपए में से मेरे स्टाफ के पास में, स्टाफ की सैलरी में 600 रुपए खर्च हो गए, बचे 200 रुपए। 200 रुपए कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कुल मिलाकर के मतलब कुछ खर्चे ऐसे हो गए, तो कुल मिलाकर के आपके 2000 रुपए से लोगों की इनकम जनरेट हुई है, मेरी इनकम जनरेट हुई, स्टाफ की इनकम जनरेट हुई, या फिर कहीं और खर्चे हुए उसकी इनकम जनरेट हुई। क्लियर है? तो इसलिए कहते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में, क्योंकि देखिए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू अलग अलग होती है, एक आप वही देख लीजिएगा कि एक आलू प्याज एक किसान के पास खेत में कुछ अलग कीमत पे होता है, किसान वो होलसेल मार्केट में अलग कीमत पे होता है, और हमारे आसपास की मार्केट में आते हुए अलग कीमत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसके फाइनल गुड्स की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि फाइनल गुड्स में क्या होता है कि सबकी इनकम शामिल हो जाएगी। अगर आप किसानों के पास जाकर करके अगर आप उनके वैल्यूज को लोगे, तो जो किसानों के बाद जो लोगों ने कमाई की है उस चीज के ऊपर वो आमदनी छूट जाएगी। इसलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू की बात कर रहा है, जब उसमें वैल्यू एडिशन अब नहीं हो सकता, फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। तो अगर आप उसकी वैल्यू को, उस वैल्यू को अगर आप मेजर कर लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप सबकी वैल्यू को, आप सबकी आमदनी को काउंट कर रहे हो। अगर आप एक 20 रुपए किलो प्याज लेते हैं, उसको 20 रुपए देते हैं, तो उस 20 रुपए में जो दुकानदार आपको दे रहा है उसकी भी आय है, उस 20 रुपए में वो ड्राइवर जो सप्लाई कर रहा है उसकी भी आय है, उस 20 रुपए में जो होलसेल मार्केट में से लाया है उसकी भी इनकम है, उस 20 रुपए में से पीछे जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसकी भी इनकम है, उस 20 रुपए में उस किसान की भी आमदनी है, तो 20 रुपए में सबकी आमदनी जुड़ गई है। क्लियर है? क्योंकि अपने फाइनल आप गुड्स की वैल्यू ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई का, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वर्थ होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, एग्रीगेट सप्लाई
equals to aggregate supply equals to national income. When as is expensed in the physical term, it refers to the total output of a goods or services in an economy. We know that value of output is distributed to factor of the production. देखिएगा, value of output वो कहाँ कहाँ distributed होता है. मैंने आपको याद है national income पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा सा याद भी use भी कर सकते चीजों को. मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, तो ये चीज मैं बनाऊंगा तो जीरो तो बनेगा नहीं, इस पे मेरा कॉस्ट आएगा. कहाँ कहाँ कॉस्ट आएगा? सबसे पहले मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? मुझे इसको सबसे पहले लैंड देना पड़ेगा. तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में मुझे इससे रेंट मिल जाएगा. चीज को बनाने में मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे इसको कैपिटल देना पड़ेगा. बदले में मुझे, क्लियर ना, बदले में क्या पे करेगा? ये आपका इंटरेस्ट. तो किसी भी चीज को अगर आप बनाते हो तो उसमें लैंड लगेगा, तो मतलब कि क्या लगेगा उस पर? रेंट. मान लो ₹2 क्या लग गया? रेंट. क्लियर है? बना रहे हो तो आपने कैपिटल लिया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो यहां पर ₹2 चार्ज किस चीज का आ गया? मतलब ₹3 मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आ गया. अब भैया जो बना रहा है उसको प्रॉफिट तो रखेगा. मान लीजिए उसने ₹1 अपना प्रॉफिट रख दिया, ठीक है. अब भैया मजदूर है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी. मान लो वेजिस हो गया ₹2. तो एक चीज को बनाने में खर्चा क्या आ रहा है? ₹2, 3, 5 और 5 और 1, 6 और 6 और 2, ₹8 का खर्चा आया. तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं ये रेंट जो बात मैं कर रहा हूं, किसकी? लैंड की, कैपिटल की, लेबर की और एंटरप्रेन्योर की. ये बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्टर. क्लियर है? तो किसी चीज को जब प्रोड्यूस करते हैं, जो उसका वर्थ है, इसकी जो कीमत बनी वो ₹8 कीमत बनी. बेसिकली ये ₹8 क्या है? ये जो है फैक्टर पेमेंट हो गया. ये फैक्टर जो हम लेते हैं, जो संसाधन रिसोर्सेज लेते हैं, ये फैक्टर इनकम हो गई. मतलब कि जो मजदूर है उसकी आमदनी बन रही है, जो ब्याज पे चढ़ाने वाला है उसकी आमदनी बन रही है. तो यहां पर एक लाइन यही कह रहा है. क्या कहता है? ये कहता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या कह रहा है? वी नो दैट वैल्यू आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब वो ₹8 जो वैल्यू ऑफ आउटपुट बना वो कहां कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो कहां चला जाएगा? फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? किसी वस्तु की जो कीमत बनी, वो कीमत कहां कहां बढ़ जाएगी? वो लेबर में बढ़ जाएगी. वो कहां? वो कैपिटल में के इंटरेस्ट के तौर पर चली जाएगी. वो एज अ एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट ले लेगा. तो वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है किसमें? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. द सम ऑफ टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम्स एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज अ नेशनल इनकम. और यही तो हमारा क्या होता है? यही हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम. इनकम मेथड समझा था ना आपने? तो आपको एग्रीगेट सप्लाई के मायने समझ में आए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? बस एक चीज कंक्लूड कर लेना कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम. मेरी बात को समझिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, बात तो एक ही एक है. द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड. बच्चे जो नेशनल इनकम हमारा है, क्या देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, ये टर्म को समझ लें. एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. भैया हमारे कंट्री में जो भी एक एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ वो कहां गया? या तो उसका कंजम्पशन हो गया, तो हम सब ने मिलकर कितना कंजम्पशन करा वो, और कुछ अभी बचा हुआ है इसका कंजम्पशन नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? सेविंग. तो हमारे कंजम्पशन और सेविंग दोनों को मिला दोगे तो ये पता लगेगा कि कितना सप्लाई हुआ है. या फिर आप इनकम के, नेशनल इनकम के परस्पेक्टिव से भी समझने की कोशिश करो कि जो भी राष्ट्रीय आय हुआ है, जितनी भी नेशनल इनकम जनरेट हुई है इस एक साल में, वो कहां गई है? वो या तो कंजम्पशन पर एक्सपेंड हो गई है और रेस्ट ऑफ पार्ट उसकी सेविंग हो चुकी है. अगर आप इसको एक छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पिताजी की तनख्वाह 20,000 रुपए हुआ. मैं पूरे साल में पिताजी की जो तनख्वाह, पूरे साल में जो पिताजी ने कमाया 5,00,000 रुपए कमाया, वो 5,00,000 रुपए कहां गए? 5,00,000 रुपए है कहां? उसमें से आप कह सकते हैं कि सर 4,00,000 या जो भी 3.5 लाख रुपए कंजम्पशन हो गया, 1.5 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है. तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, कहां कहां जाता है? ये दो जगह जाता है, कंजम्पशन में और सेविंग में. तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई क्या कर रहा है? कंजम्पशन और सेविंग. और नेशनल इनकम हमें किससे रिप्रेजेंट होगा? वाई से. क्या कहता है? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन. भैया जो भी हमारी आय होती है, आपके घर में अगर 50,000 रुपए तनख्वाह है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 40,000 बचा रहे हो, 10,000 रुपए खा रहे हो.
50,000 है तो 30-35 हज़ार रुपये आपका जो है कंजम्पशन में चला जाता है, 10-5 हज़ार रुपये मुश्किल से बच पाता है, मुश्किल से बच पाता है। ध्यान रखिएगा 50,000 रुपये तनख्वाह होता ही क्या है, बहुत ही आज के टाइम पे तो खैर 50,000 रुपये सैलरी अगर आपको मिलेगी तो शायद आप खुश हो जाएंगे, लेकिन सही देखा जाए कि उससे हाँ आप सर्वाइव, 50,000 तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको वो है, बट अगर आप 30-35 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हैं तो 30 और 35 हज़ार रुपये तो एक ऐसी सैलरी है आज के टाइम पे कि जिसमें तो आप ये मान के चलिए कि हाँ आप, मैं ये गारंटी लेता हूँ भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ आप कर भी नहीं पाएंगे, ये बात भी फैक्ट है। तो इसलिए आप 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, तो बड़े ध्यान से इस बारे इस विषय पर सोचो, पढ़ते पढ़ते। अरे भाई LKG UKG से लगे पढ़े हो पढ़ने में, 12वीं कर ली, 12 साल वो लग गए, 3 साल आपने, 15 साल और LKG UKG बताएं 2-3 साल आपने दिए होंगे, 18-20 साल पढ़ते पढ़ते हो गया। अब हिसाब लगाओ कि अब आपके हाथ क्या लगेगा, अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा तो आपने जो है अभी तक प्लान नहीं करा, उस डायरेक्शन में आप गए नहीं। सोचिए आज से ठीक 2-3 महीने बाद मई में आपके एग्जाम है, ठीक 2 महीने, उसके बाद आपको कमाई पर उतरना है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या फिर से एक लोड लेंगे पढ़ाई का? पढ़ाई चलते रहनी चाहिए आपकी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन समय आ जाता है कि अब आप अर्न करें। हाँ जी, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं हम, एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टेबल से, देख लें जी कमेंट चैट मुझे आपका शो नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ बच्चे तो हैं, चलिए हाँ जी, इनकम हमारे पास में क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 नेशनल इनकम है, तो मैं 0 कमा रहा हूँ, मान खैर ऐसा तो होगा नहीं नेशनल इनकम 0 हो जाएगा कभी, पर फिर भी मान लीजिए कि सिचुएशन को ले लेते हैं कि अगर 0 हुआ तो मेरा कंजम्पशन तो 0 नहीं होगा ना, मैं चाहे उधार लेकर के, जैसे पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान के पास उतनी आमदनी नहीं है जितना कि उसका खर्चा है, लेकिन वो आज के टाइम पे ऐसा तो नहीं है खर्चे उसने खत्म कर दिए, वो कहीं से उधार लेकर के भी तो काम कर पा रहा है ना। पाकिस्तान की नेशनल इनकम अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसका कंजम्पशन 0 हो जाएगा, चाहे उधार लेकर करे चाहे कुछ भी करके करे उन्हें करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इनकम हमारे पास में 0 है, कंजम्पशन हमारे पास में 40 है, तो इनकम में से मैंने ये कमाया और मैंने उसमें से ये खर्चा किया तो बचेगा क्या, आपको ये रिलेशन को समझना होगा। इस रिलेशन को आप पहले समझ लीजिए, देखिएगा आप इस बात को समझते हैं ना कि इनकम किसके बराबर होगा, क्या कंज्यूम करा क्या बचाया इनकम हो गया, और दूसरी बात आप अगर अपने इनकम में से कुछ भी एक माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल आएगा, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा, और इनकम में से अगर आपने बचाया कितना वो माइनस कर दोगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। मैं ही आपसे बोलता हूं कि मैंने इस महीने 8,000 रुपए कंज्यूम किए, 2,000 बचा लिए, तो बताओ कमाया कितना, आप कहोगे सर 10,000 कमाया, मैं कहता हूं मैंने 10,000 कमाया 8,000 खर्च कर दिया, बताओ बचाया कितना, आप कहोगे सर 2,000 बचाया, माइनस करोगे ना। तो इसी तरीके से कंजम्पशन सेविंग इनकम बन जाएगा, और इनकम में से अगर आप कोई भी एक चीज माइनस करोगे दूसरी चीज आपको मिल जाएगी, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे सेविंग, इनकम में सेविंग माइनस करोगे तो क्या जाएगा कंजम्पशन आ जाएगा। ऐसी प्रकार से मेरे पास में नेशनल इनकम बहुत इजी था, यहाँ पर इसको लेट करना, क्या इसको क्या करा हमने 0 से 100 के ग्राफ को ले लिया, और यहां पर हमने और बच्चे हमने यहां पर क्या करा, यहां पर मेरे पास में कंजम्पशन मैंने 40 स्टार्ट करा और 80-80 के गैप पे मैं लेके चला हूं, सिंपल पहले वाले टेबल लिया है। अब इनकम में से कंजम्पशन में माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा सेविंग, तो ये तो भैया 0 में से बड़ी संख्या माइनस होगी तो नेगेटिव में आएगा ना सेविंग, यहां भी सेविंग नेगेटिव में आया, मेरी बात समझे, तो यस आपकी सेविंग नेगेटिव हो सकती है, पर आपका कंजम्पशन नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपका कंजम्पशन कभी 0 ही नहीं होगा, 0 से अब भी रहेगा, क्योंकि इनकम 0 हुई तब भी कुछ ना कुछ आप सर्वाइव करने के लिए कंज्यूम करेंगे, बट सेविंग आपका जो है 0 भी हो सकता है और आपकी नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएंगी छोटी छोटी बातें, क्लियर है जी। तो इसी तरीके से आपके पास में इनकम में से आपने कंजम्पशन माइनस करा, आपके पास में क्या आ गई सेविंग, और इनकम में से कंजम्पशन सेविंग, तो सेविंग नेगेटिव 0 हो सकता है बट आपका कंजम्पशन कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, ना कभी 0 होगा ना कभी नेगेटिव होगा। तो आपने इस तरीके से क्या निकाल लिया, अपना सेविंग निकाल लिया, और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो क्या होता है, वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है ना, एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट्स, और ऐड करूंगा तो एग्रीगेट सप्लाई ये आ गई जो कि मैंने पहले बता दिया था कि नेशनल इनकम के आपके इक्वल आएगी। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, क्लियर है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम का डायग्राम की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे
जीरो एक्स वाई, और यहां पर मेरे पास में क्या है, यहां पर मेरे पास में नेशनल इनकम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहां पर आप कंजम्पशन मान लीजिए, कंजम्पशन और सेविंग, ये आपका नेशनल इनकम, ये बिल्कुल ना तो इस तरफ लेके जाइए स्टीपर, नहीं तो फ्लैटर, ये इसके बिल्कुल बीच में रखिए, ये इसके बीच में रखिए। बीच में रखने का मतलब क्या हो गया कि 45 डिग्री, ये हो गया ज्यादा, ये हो गया कम, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके बीच में ऐसे रखना है, लाइक 45 डिग्री, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, क्लियर है। तो यही आपका क्या होता है, आपको इसको आप नेशनल इनकम भी बोल दीजिए या फिर आप इसको एग्रीगेट सप्लाई भी बोल दीजिए, ये रहेगा आपका कर्व, क्लियर है जी, मेरी बात समझे, क्लियर है ना। ये बताएगा, क्या बताएगा, कि आपका जो नेशनल इनकम का लेवल है सेम लेवल आपका कंजम्पशन और सेविंग का भी है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई का भी है, क्लियर है। जितना आपका नेशनल इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, इस चीज को बताएगा। वो तब पॉसिबल है जब आपका वाई जब 45 डिग्री पे निकलेगा, अगर आप इधर कर देते ना तो ये चीजें ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, बात समझे, इसलिए इसको कहते हैं कि आपको 45 डिग्री बनाएंगे। तो यहां पर आपके पास में कुछ इसी तरीके से आपके पास में एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है जी। अब एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप समझिएगा कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसको कहते हैं उपभोग फलन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, इसको हिंदी में बोलेंगे हम उपभोग, उपभोग फलन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन का इनकम के साथ में क्या रिश्ता है। अब मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, पर ध्यान से सुन लीजिए भाई, मेरी तनख्वाह जो है 50,000 रुपये है, मान लीजिए 25,000 रुपये मेरे खर्चा हो गए इस पूरे महीने में, 50,000 रुपये पूरे महीने में कमाया, पूरे महीने में 25,000 रुपये खर्च कर दिया, कंजम्पशन कर लिया, भाई खर्चा तो कंजम्पशन भी होता है, कंजम्पशन कर लिया 25,000 रुपये का। आप कहोगे सर इसका मतलब आप अपनी आमदनी का आधा हिस्सा कंज्यूम कर लेते हो, यही बोलोगे, आधा आधा आपने पूरा खर्चा कर डाला, आधा आपने उपभोग पे खर्च कर दिया, आधा कंज्यूम कर लिया। ये जो आप आधे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मेरी बात समझे, समझे, उपभोग फलन की उपभोग का आय के साथ में क्या संबंध है, मैंने जो आय कमाया, जो मैंने खर्चा किया, वो मेरा खर्चा मेरे इनकम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, क्लियर है, मेरे एक्सपेंस मेरे इनकम का कितना टाइम्स है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम, तो वही वाली बात है, कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में कैसा रिलेशन है। अब भैया से माता पिता का तो रिलेशन होगा नहीं, तो रिलेशन मीन्स कभी भी रिलेशन हम जानते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या एक ही उम्र है 10 साल, या ए के पास है 100 रुपए, बी के पास में है 500 रुपए, बताओ भैया क्या रिलेशन है इसमें, बताओ क्या रिलेशन है इसमें। तो आप एक बात कह दोगे मुझे, क्लियर है, मैं बोलूंगा बी का क्या रिलेशन है इसे, तो आप एक बात बोल दोगे कि भैया बी जो है वो ए का क्या है 5 times है। तो रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि कौन किसका कितना टाइम्स है, जिसके बारे में जान रहे हैं वो चीज नोमिनेटर में रहेगी, और जिससे कंपेयर करते हैं वो चीजें डिनोमिनेटर में रहेगी। तो आप बोलेंगे जी ये 5 times है। तो यहां पर मेरा टॉपिक का नाम ही क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि मेरा यहां पर कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू फंक्शन रिलेशन बिटवीन द कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं, क्लियर है। कंजम्पशन फंक्शन ये 2 तरीके के होते हैं आपके पास में, कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, द विलिंग ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, इट ऑल्सो शो द कंजम्पशन लेवल एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में मैं बात कर देता हूं यहां पर सबसे पहले, देखिएगा ये पहले आप देख लीजिएगा,
देखिएगा, क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। यहां पर क्या आपके पास में इनकम ये रहा और कंजम्पशन आपके पास में यही रहा, तो यहां से आप क्या सेविंग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में कंजम्पशन शेड्यूल है आपके पास में। क्लियर है जी? अभी मैं सबको समझा दूंगा आपको, देखते रहिए। फिलहाल आपको इक्विलिब्रियम पे आपके पास में पहले इसको समझते हैं। देखिएगा हम क्या समझने जा रहे हैं, प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या होता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर है जी? उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। तो बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं उपभोग प्रवृत्ति, ये दो तरीके की होती हैं। क्लियर है? एक आपको इसको हम एक को बोलते हैं क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक क्या हो गया हमारे पास में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती हैं। इसको हम बोलते हैं उपभोग प्रवृत्ति। तो ये हमारा हो गया औसत उपभोग प्रवृत्ति, और ये हमारा हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मेरी बात समझिए, समझे पहले आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है जी? देखिएगा तो इसको हम हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास में उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे इसको हम, और इसको हम कहेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और इसको हम कहेंगे हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्लियर है जी? शॉर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, शॉर्ट में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एपीसी, और एक होता है हमारे पास में एमपीसी। अब मैं सिर्फ बात इस समय एपीसी पर करूंगा, एपीसी को समझिएगा, मैं बाद में बात आपके पास में एमपीसी पर मैं लौट करके वापस आऊंगा, बट पहले आप एपीसी के बारे में समझ लीजिए। अब हम अपनी चर्चा में लेकर के आए हैं क्या कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ एपीसी। बेसिकली ये क्या बताता है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या कि हमारे इनकम के रिस्पेक्ट में इनकम का कितना, कितने टाइम्स इनकम का, कितने टाइम्स इनकम का, कितना शेयर इनकम का, कितना प्रपोर्शन मैं कंजम्पशन पर एक्सपेंड कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मेरी इनकम 10,000 रुपए है और 2,500 रुपए का मैंने कंजम्पशन करा, मान लो, तो इनकम का कितना मैंने अपने कंजम्पशन पर डाल दिया,
कितना इसका पोर्शन मेरे कंजम्पशन पे चला गया, कितना शेयर मेरे कंजम्पशन पे चला गया। तो आप बोलोगे सर आप अपने इनकम का 1/4, आप क्या बोलेंगे सर 1/4 आप कंजम्पशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी को हम बोलते हैं एपीसी, ठीक है। तो बेसिकली कैसे निकाला आपने, मुझे कंजम्पशन के बारे में जानना है कि मेरा बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। अरे भाई आप कंजम्पशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ रहे हो आप, प्रोपेंसिटी टू आप कंज्यूम पढ़ रहे हो, आप कंज्यूम कंजम्पशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं वो न्यूमरेटर में रखेंगे आप। तो यहां पर आपका कंजम्पशन आपके इनकम का कितना टाइम्स है, कंजम्पशन कितना टाइम्स है, इसलिए कंजम्पशन ऊपर आएगा और ऑलवेज इनकम आपका नीचे आएगा, क्लियर है जी। तो बेसिकली आपको कैसे निकल करके आया आपका ये 2500 आपका कंजम्पशन है और आपने क्या करा 10,000 रुपए आपका क्या है इनकम है। सॉल्व करा तो आपका क्या आंसर आया 1/4। इस 1/4 को हम क्या बोलते हैं एपीसी बोलते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। तो यहां पर कुछ एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इनकम जो है 1,000 करोड़ है, ठीक है, और कंजम्पशन जो है 800 करोड़ है, कंजम्पशन 800 करोड़ है, तो बताइए आप एपीसी क्या होगा। तो एपीसी कैसे निकालेंगे आप, कंजम्पशन एपीसी कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो आप अपना 800 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर है, सॉल्व करेंगे जीरो तो 0.8, क्लियर है जी। तो हमारे पास 0.8 क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में एपीसी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको एपीसी का मतलब समझना होगा बच्चे। मैं ये बोलता हूं जो ना एक्सपेंड हो रहा है क्या, मैं अगर बोलता हूं 80% कंजम्पशन, 80% कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या मतलब है इसका समझिएगा, 80%। तो यहां पर इसका मतलब है कि 80% कंजम्पशन हुआ किसका, नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम अपने आप में कितना होगा, अपने आप में तो 100 होगा ना, वो जब परसेंटेज में बात कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज हटा करके नीचे 100 लगा देना, क्योंकि अगर 80% कंज्यूम हो गया तो नेशनल इनकम था कितना, 100 था। तो सॉल्व करेंगे तो 0.8 आपका क्या आ जाएगा, आपका एपीसी आपका आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। तो कई बार परसेंटेज में दिया हुआ होता है आपका, तो आपको समझना होगा एपीसी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को आप इससे करेंगे। इसका मतलब यही है कि आपकी इनकम का 80% कंजम्पशन कर रहे हैं, तो 80% कंजम्पशन कर रहे हैं, इनकम आपका कितना हो गया, 100 हो गया, तो वैसे तो निकलेगा आपको जैसा भी हमने निकाला है, क्लियर है जी। बात समझे, अगर आपसे कभी बोल दे कि भैया 1/4 कंजम्पशन ऑफ नेशनल, ध्यान रखिएगा अभी हम न्यूमेरिकल पे आएंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पहले चेक टर्म्स क्लियर कर रहा हूं। 1/4 कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम, इसका मतलब ये 1/4 क्या है बेसिकली, ये आपके पास में एपीसी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। क्लियर है, कोई डाउट तो आपको पता लगा पहले कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है बेसिकली, और आप एक बात को और समझ सकते हैं यहां पर। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर इसका फॉर्मूला बना सी अपॉन वाई, ठीक है जी, क्लियर है। एक बात मुझे बता देंगे आप, अगर आपको तो खैर मैथ्स का बेसिक रूल पता है ना, क्या कि आपका रिजल्ट जीरो कब आता है, आपका पहले रिजल्ट वन कब आता है, जब आपका रिजल्ट वन कब आएगा आपका, जब नोमिनेटर और आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो तभी तो वन आता है भैया, 7/7 ही तो एक आएगा जब भी डिवाइड कर रहे हो डिविजन केस में,
और आपका आंसर जो है ग्रेटर देन वन कब आता है रिजल्ट आपका, जब आपका नोमिनेटर ग्रेटर देन क्या हो, डिनोमिनेटर हो, समझे। और आपका आंसर जो है लेस देन वन कब आता है, जब आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। मेरी इस बात को समझ पाए आप। और आपका आंसर जीरो कब आता है, जब आपका नोमिनेटर ही जीरो हो जाए, क्लियर है। और आपका आंसर नेगेटिव कब आता है, आपका आंसर नेगेटिव कब आता है, जब आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक क्या हो, एनीवन क्या हो, नेगेटिव हो। पहले गणित का एक बेसिक सा नियम समझ लीजिएगा आप, कि आपका परिणाम आपका रिजल्ट एक कब आएगा, जब आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। आपका रिजल्ट दोनों जब बराबर होंगे तभी तो एक आएगा। आपका रिजल्ट एक से बड़ा कब आता है, जब आप डिवाइड करते हो, कभी भी डिवाइड कर रहे हो आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर, और रिजल्ट एक से बड़ा कब आएगा, जब आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। अब एक छोटा कब आएगा, जब आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। और आपका आंसर जीरो कब आएगा, जब आपका नोमिनेटर जीरो होगा तब आपका आंसर जीरो आएगा। और नेगेटिव कब आएगा, जब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो। इस बात को समझ गया, क्लियर है, बेसिक सी बात समझे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, APC, मतलब समझ रहे हैं ना आप, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो मेरा सवाल यह है कि क्या APC जीरो हो सकता है, मैंने सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या APC जीरो हो सकता है। क्योंकि APC के जीरो हो तभी पॉसिबल है जब आपका कंजम्पशन क्या हो, जीरो हो। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नो इसका आंसर करेंगे। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आपका कंजम्पशन बना रहेगा। मेरी बात समझे, क्लियर है जी। क्या आपका APC कभी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव का मतलब है कंजम्पशन और इनकम में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तो आपका कंजम्पशन तो जीरो ही नहीं होता, तो नेगेटिव तो भूल ही जाओ। और इनकम कभी भी नेगेटिव नहीं होगी आपके, तो ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है, नहीं, नो आंसर करेंगे। क्लियर है, बात समझे, क्लियर है। क्या आपका APC वन हो सकता है, क्या एक चांस ले रहे हैं, चलिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे क्या हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन वन हो सकता है आपका APC। चलिए हाँ, उस केस में हो सकता है आपका, जब आपका क्या हो, कि आपका आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि यार मेरी जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है, हो सकता है। आपने ठन्नी खर्चा रुपया, आपके 10,000 रुपये तनख्वाह, अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग देखे होंगे। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैं पूरे नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। तो पूरे जैसे पाकिस्तान का उदाहरण ले लेते हैं, है ना, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या ले, हमारा तो हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान का इस समय क्या है, आमदनी कितनी है, ठन्नी, और खर्चा कितना है उसका, रुपया। तो मतलब कि उसका कंजम्पशन उसके इनकम से ज्यादा है, तो उस केस में उसका APC जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा इस स्थिति में, पाकिस्तान की अगर मैं कहानी बताऊं तो। तो यहां पर APC आपका जो है इक्वल भी हो सकता है, और APC जो है ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बस APC के बारे में आप दो चीजें नहीं हो सकती, वो बात ध्यान रखिएगा, क्या APC कभी भी आपकी जीरो और नेगेटिव, ये कभी भी नहीं होगी। बस इतनी सी बात अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, किसके बारे में, APC के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले APC के बारे में पढ़ा दूं मैं आपको। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देर आर द टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। दिस वन, इफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 700 करोड़ एंड नेशनल इनकम द 100 करोड़, देन APC इक्वल्स टू दिस। क्लियर है, तो यहां पर मैं APC निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या कैसे निकालूंगा, कंजम्पशन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे पास में, जीरो। तो ये मेरे पास में नॉट डिफाइंड, 120 डिवाइडेड बाय 100। तो आप निकाल सकते हैं इसको कैसे, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो कैसे निकालेंगे आप, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, जीरो से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, दिस 1.2, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम 1, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो आप देख रहे हैं, क्लियर है। तो ये आपके पास पे क्या है, ये आपके पास में APC शेड्यूल है, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए।
नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब कल की क्लासेस में 4 बजे मैं फिर आऊंगा और फिर हम टॉपिक को लेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फिर हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग पर भी आएंगे, ठीक है जी। चीज़ समझ लेते हैं, फिर फंक्शन है, न्यूमेरिकल्स है, सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और जल्दी से हम चीज़ों को करते हुए आगे यहाँ पर बढ़ेंगे भी। क्लियर है जी? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।